मैम, भाई तो भाई है मैम, क्या बोलूँ उसके बारे में, ये पूछो फिल्म में क्या नहीं था यार, दिल खुश हो गया मैम यार, फुल एंटरटेन हुए, एक नंबर मूवी में। कोई डायलॉग हो जाए? क्या बोलूँ मैम, डायलॉग क्या बोलूँ मैं उसमें, मेरे को कुछ नहीं बोला जा रहा है, मैं एकदम बोलती बंद कर दिया भाई। जिस दिन सरदार की हटेगी सबकी फटेगी, और इस सरदार की आज हट गई है। कैसी लगी मूवी? एक नंबर मैडम, एक नंबर मिलूँ, एक नंबर मूवी है एकदम। भाई ने बोला सबकी हटेगी, भाई बोला मेरी हटेगी तो सबकी फटेगी। सलमान खान की फाइटिंग के बारे में क्या? ए भाई का रोज बोली नहीं ना, एक नंबर भाई अपना सलमान भाई बोला था, एक नंबर भाई। आयुष शर्मा ने का भी एक नंबर काम बताया, एक नंबर मूवी है। फुल एंटरटेन हुआ? सलमान खान सुपरस्टार है, सुपरस्टार है, बॉलीवुड किंग, एक नंबर मूवी, खतरनाक। आयुष शर्मा का काम इतना भारी है, सलमान भाई का काम है सुपर हिट, 500 करोड़, 2000 करोड़ कमाई। आयुष और सलमान की फाइटिंग में से किसने ज्यादा एंटरटेन? सॉरी, मैं सलमान का फैन हूँ इसलिए सलमान ही बोलूंगा। आयुष से सलमान ने उन्हें क्या सलमान ही देखते हैं हम, बाकी कुछ नहीं। फक्त सलमान साथ है, मैं कोल्हापुर से मूवी देखने इधर आया हूँ। कैसी लगी? बहुत बहुत फुल एंटरटेन भाई, फुल एंटरटेन, फुल एंटरटेन। सलमान खान की एक्टिंग से लाइफ स्टोरी से, ये अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, लाइफ स्टोरी है। जो बंदे लोग नहीं बिगाड़ना चाहते उनको भी ये दुनिया बिगाड़ देती है, लेकिन वो सलमान खान ने एकदम बहुत अच्छा किया। पांच में से कितने मार्क्स? 5 to 10। कुछ नहीं, कोल्हापुर से मूवी देखने मैं मुंबई को आया हूँ, फक्त सलमान खान साथी। मैं उसका बहुत बड़ा चाहता हूँ, अपने घर में पोस्टर रहते उसके, मैं उसके पिक्चर को 3000 खर्चा करता हूँ। कितने मार्क्स देंगे? पाँच में के 5 स्टार, सुपर हिट मूवी। कैसी लगी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सलमान खान की एक्टिंग के बारे में? दोनों का एक्टिंग अच्छा है, दोनों का एक्टिंग अच्छा है। कैसी लगी? बहुत अच्छी। एंटरटेन किया सलमान खान ने? बहुत बहुत। इतने दिनों बाद सलमान खान को आपने पर्दे पे देखा है, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, भाई को देख के बहुत खुशी हो रही है, और भाई का डायलॉग, भाई का एक्शन, भाई का एंट्री सुपर। सलमान खान की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? भाई का तो, भाई ऐसे भी बिना एक्टिंग के रहेंगे तो भी सुपर हिट है, भाई का एक्टिंग सुपर हिट रहती है हमेशा। मूवी में जबरदस्त फाइटिंग हुई है, कितना एंटरटेन किया फाइटिंग ने? जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया, फुल एंटरटेनमेंट किया, जितना भाई से उम्मीद थी उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया भाई ने। अच्छा, कितने मार्क्स देंगे आप आज? 5/5। लोगों को देखने आना चाहिए? सबको फैमिली के साथ देखे आना चाहिए, भाई का पिक्चर फैमिली के साथ देखने के लिए बहुत अच्छा। कोई डायलॉग बताना चाहेंगे? जिस दिन सरदार की हटेगी उस दिन सबकी फटेगी, प्लास्टिक के सिवा कुछ नहीं दिखता। थैंक यू सर। अच्छी लगी? बॉस दिस इज आयुष शर्मा शो, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। 2019 की फिल्म मुंशी पैटर्न का रीमेक है, क्या फिल्म बनाई महेश मांजरेकर ने, और आयुष शर्मा को ऐसे प्रेजेंट करना उनके ही बस की बात है बस, और सलमान खान को बहुत बड़ा कमबैक मिला है बस, मज़ा आ गया फिल्म देख के। सलमान और आयुष में से किसकी फाइटिंग ने ज़्यादा एंटरटेन किया? अरे भाई देखो, भाई को हम लोग जज तो नहीं करेंगे, लेकिन आयुष शर्मा ने जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक्टिंग, जो एक्सप्रेशन, जो डायलॉग टाइमिंग, क्या प्रेजेंट किया है खुद को, मज़ा आ गया यार। मतलब सत्यमेव जयते से 3 गुना बड़ी, मतलब 3 गुना दुगनी फिल्म अच्छी है बस, मज़ा आ गया फिल्म देख के। महिमा मकवाना की एंट्री थी, कैसा लगा आपको? महिमा मकवाना की एंट्री बहुत फीकी थी, लेकिन जो उनकी जो चाय वाला अंदाज है ना, वो बहुत मीठी थी, लेकिन बहुत मज़ा आ गया। सलमान का ये पुलिस वाला जो सरदार वाला लुक है वो कैसा लगा आपको? देखो मैंने जब उनका वो फिल्म देखी थी हीरो समथिंग 2007 में फिल्म थी, वो तो इतनी खास नहीं थी, सरदार में बहुत अच्छे दिखे, लेकिन इधर सरदार का हिंदुस्तान वाला भाई और पगड़ी वाला जो सिख, क्या जज, मतलब क्या सूट हुआ है सलमान खान, मज़ा आ गया। मतलब उनका जो एक एक्सेंट रहता ना, वो इस दुनिया में कुछ भी नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के, अरे क्या अंदाज में बोले सलमान खान यार, अरे मज़ा आ गया यार। और महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया तो भाई आग खोल के भरोसा कर सकते हैं, और इधर फुलफिल हुआ, मज़ा आ गया था। थिएटर के अंदर सीटियाँ बजी है? अरे कान भेरे हो गए हमारे यार, कान भेरे, हमारा तो गला बैठ गया, आधा तो हमारा घर बैठ गया, कान भेरे हो गए हम लोग इतने, अरे इतना सीटा डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे। आयुष शर्मा की ऑर्डिनरी एंट्री पे साला मतलब आवाज़ किया, सलमान खान की एंट्री हुई कोई तो आएगा जो बैकग्राउंड म्यूजिक, हमारे गुजबम्स क्रिएट कर दिया यार, और लास्ट का क्लाइमैक्स, मज़ा आ गया। कितने मार्क्स देंगे आप 5 में से? अरे पिक्चर को मैं 5/4 दूंगा, क्योंकि ये पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, मतलब एज एन रीमेक बहुत अच्छी बनाई है।
कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, मजा आ गया। सलमान खान की मूवी थी, कितने एक्साइटेड थे आप? बहुत एक्साइटेड, ये देखो मैडम एक्साइटमेंट, मतलब हर साल सलमान भाई की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो इधर आ जाते हैं सब पहन के। बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट खाई में नहीं मिला घर से, बहुत लेट निकला, लेकिन वो इतना टाइम रुके, इतने टाइम बाद थिएटर में सलमान भाई की फिल्म देखने मिले, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और दबंग थ्री राधे सबके बाद तो बच गए है सलमान भाई, ऐसे ही रोल करते गए, ऐसी फिल्में करते गए और 20 साल कोई नहीं उनको हिला रहा है। आयुष की एक्टिंग के बारे में क्या? आयुष बहुत इम्प्रूव हुए डेब्यू से, बहुत इम्प्रूव हुए, उन्होंने मेहनत भी लिया दिखता है, और मेहनत करेंगे अभी इससे ज्यादा। सलमान भाई कोई भी साला अपने जीजा के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म, इतना अच्छा रोल, इतना मेंटर करके दिया, अभी इसके आगे जो है आयुष के मेहनत पे, ये फिल्म में उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा थोड़ा और एक्सपीरियंस रहते शायद और अच्छा करते, लेकिन ये फिल्म में डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है, मजा तो आया देख के। उन्होंने ऐसा फीके नहीं पड़े हो, फीके सलमान भाई के हमने कोई भी टक्कर का नहीं है, लेकिन फीके तो नहीं पड़े, अपनी खुद की एक इज्जत रखी है उन्होंने फिल्म में। सलमान की फाइटिंग ने कितना एंटरटेन किया? बहुत एंटरटेन किया, उनकी डायलॉग डिलीवरी बोलो, उनका स्क्रीन प्रेजेंस मेन वही था जो कम हुआ था, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन पिछली थोड़ी फिल्मों में ऐसा लग रहा था कि वो खुद थोड़े कंफ्यूज थे कि क्या करना है, ये फिल्म में उनको वो समझा है और उन्होंने वो किया है स्क्रीन। वो जब स्क्रीन पे आते हैं जो रोमटे खड़े होने रहते हैं ना, जो समझता है कि हीरो आया है, वो सलमान भाई को देख के समझता है बस, कि फुल पैसा वसूल मूवी, पैसा वसूल। और फैंस के लिए तो बस और क्या ही चाहिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आ गए, 2 साल बाद सलमान भाई की फिल्म मिल रही और अच्छी नहीं, खुश है और क्या चाहिए, बस हो गया। लोग घर पे उनको आना चाहिए मूवी देखने। यस यस डेफिनेटली, थिएटर वॉच तो है फिल्म, घर पे देखोगे मजा आएगा, लेकिन थिएटर खुल ले यार, सलमान भाई की फिल्म है, क्यों घर पे, थिएटर डेफिनेटली, थिएटर वॉच। पांच में से कितने मार्क्स? 5 में से 3.5 सिंपली इसके लिए, क्योंकि हमने ओरिजिनल भी देखी है तो ये कम नहीं पड़ती, लेकिन वो थोड़े कंपैरिजन हो जाते हैं बस, बाकी कुछ नहीं, नहीं तो ये अपनी जगह मस्त। और सलमान भाई 100 out of 5। कोई डायलॉग बोलेंगे? तू पुणे का नया भाई होगा लेकिन मैं हिंदुस्तान का भाई हूँ, बस बस यही यही बस, थैंक यू। मुझे मूवी बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया भाई, एकदम छा गए। 2 सालों के बाद भाभी भाई की मूवी आई है, बहुत एक्सरसाइज था मैं देखने के लिए मूवी, क्योंकि राधे के बाद ये बहुत ही अच्छी मूवी थी। मुझे हम भाई के फैंस से इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मूवी बहुत ही बढ़िया, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, फुल फाड़ू मूवी थी, बहुत फाड़ू। जैसे कि भाई ने कमेंट किया था कि सारा फैंस के ऊपर छोड़ा था, तो बहुत ही अच्छी मूवी है, हम सीट पे से उठ के नाचने लगे, इतना एंजॉय किया हर शॉट के ऊपर, हर फाइट के ऊपर। और महेश मांजरेकर जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्होंने बेवड़े का रोल किया, मुझे बहुत ही मज़ा आया, और वो डायरेक्टर भी है तो मानना पड़ेगा, उन्होंने एक बार फिर धूम मचा दी है बॉलीवुड में। आयुष की एक्टिंग के बारे में क्या? बहुत ही बढ़िया, उन्होंने भाई से बहुत कुछ सीखा है, काफ़ी बहुत मज़ा आया भाई की और उनकी फाइट वगैरह, और भाई का समझाना, उन आयुष जी का जेल जाना फिर छूटना, बहुत ही कॉमेडी भी बहुत अच्छी है और फुल पैसा वसूल मूवी है, काफ़ी बढ़िया, बहुत मज़ा आया। महिमा मकवाना का डेब्यू था, कैसा लगा उसकी एक्टिंग? बहुत ही बढ़िया एक्टर है वो, बहुत मज़ा आ गया, चाय वाली का रोल किया उन्होंने तो बहुत ही अच्छे से, बहुत 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 मज़ा। कोई डायलॉग बोलेंगे? जिस दिन सरदार की हटेगी सबकी फटेगी। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत अमेजिंग था, बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही प्यारी मूवी थी, और क्या बोल दूँ, सलमान भाई ने एंट्री मारी तो अंदर सीटियाँ ही बज रही थी। आयुष की एक्टिंग के बारे में क्या? आयुष की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, और उन्होंने एकदम रियलिस्टिक दिखाया है, आयुष सर को लॉन्च किया है सलमान सर ने, तो उनका जो एक्टिंग अदाकारी है बहुत अच्छा है, और म्यूज़िक बैकग्राउंड वो फील होता है, आप भी सुनोगे म्यूज़िक तो आपको भी बहुत ही ऐसे लगेगा कि रियली ये म्यूज़िक फील हो रहा है। कितने दिनों बाद सलमान को आपने देखा है पर्दे पे, कैसा लग रहा है? आफ्टर 2.5 साल के बाद सलमान सर को देखा तो बोलते हैं ना 4 चांद लग गए, दिवाली हो गई, मतलब फुल फाड़ू मूवी, फुल फाड़ू एंटरटेनिंग पैसा वसूल मूवी है। जो लोग घर पे उनको मूवी देखने आना चाहिए? यस डेफिनेटली, जो घर पे है तो उनको थिएटर में आके मूवी देखना चाहिए, और एंटरटेन यहाँ पे ही मिलेगा, घर पे नहीं थिएटर में आना चाहिए। सलमान खान से आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान सर से मैं ये कहूँगा, सलमान खान लव यू सर, लव यू, आपको 5 स्टार नहीं आपको 100 स्टार है, थैंक यू। कैसी लगी मूवी? मूवी तो अच्छी थी, बट एक्चुअली क्लाइमैक्स में उन्होंने गड़बड़ कर दी, दे शुड हैव एक्चुअली शोन की वो बच्चा जो है वो सलमान सर की मदद करके आयुष शर्मा को मारता है, बट यहाँ पे बताया कि बच्चे ने आयुष शर्मा को मार दिया, तो यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ कर दी एक्चुअली, क्योंकि कैसा है कि वो बच्चा जब जेल में जाएगा फिर छूट जाएगा,
एंड ही विल रिटर्न टू द क्रिमिनल वर्ल्ड. सो इट्स नॉट अ गुड मैसेज एक्चुअली. और मराठी फिल्म में भी दिखाया है कि बच्चा जो है वो क्लाइमैक्स में मार देता है जो विलेन को. सो दे शुड हैव नॉट शोन इट इन दैट वे. बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आयुष शर्मा वॉज एक्सेलेंट एंड ही शुड कंटिन्यू वर्किंग इन एक्शन फिल्म. दैट विल बी बेटर फॉर हिम एक्चुअली इन फ्यूचर. सलमान की एक्टिंग के बारे में क्या कहें? सलमान सर तो ग्रेट ही है. मतलब ऑब्वियसली उन्होंने लीड तो नहीं किया है फिल्म में, लीड तो आयुष शर्मा ही थे, बट ऑब्वियसली ही ऑल्सो हैड अ इम्पैक्ट इन द फिल्म. इतने दिनों बाद फैंस को दिखे हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी. जी बिल्कुल. अभी तो ये मेरी फर्स्ट फिल्म है लॉकडाउन के बाद, तो एक्साइटमेंट तो है. तो आई थॉट लेट्स गो एंड वॉच अ सलमान खान फिल्म ओनली बिकॉज क्राउड ज़्यादा होगी तो आवाज़ भी ज़्यादा आएगा, तो लगेगा कि वे एक्चुअली वॉचिंग अ फिल्म जो धमाकेदार है. महिमा मकवाना का डेब्यू हुआ, कैसा लगा उसका उनका एक्टिंग? I think she was in some serial also. मैंने देखा तो नहीं है, but I think she's pretty okay. वैसे भी उनका रोल तो कुछ ज़्यादा था भी नहीं इस फिल्म में, but my main focus was on the action sequence. और मुझे actually ऐसा लगता है कि ज़्यादा action रखना चाहिए था. जैसे क्लाइमैक्स में अगर सलमान और आयुष शर्मा के बीच में अगर कुछ action रखने वाले थे, I think they had kept an action sequence, but उन्होंने कट कर दिया है वो सीन. अगर वो होता तो वो बेटर होता, फिल्म में ज़्यादा इम्पैक्ट होता और दैट वुड बी अ डिफरेंट फ्रॉम द मराठी फिल्म. सलमान और आयुष के बीच में फाइटिंग दिखाई गई, किसकी फाइटिंग ने ज़्यादा एंटरटेन किया है? वेल आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे भाई इज एक्चुअली ही इज फाइटिंग, बट ज़्यादा ग्रेसफुली एक्शन अगर आप बताएंगे तो आयुष शर्मा डिड इट बेटर. पाँच में से कितने मार्क्स दोगे? थ्री.